नमस्कार दोस्तों, कविता बोल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष है। आज हम सुदामा पांडे धूमिल की कविता खेवली का पाठ करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। वहां न जंगल है न जनतंत्र, वहां न जंगल है न जनतंत्र, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं। एक ठंडी और गांठदार अंगुली माथा टटोलती, सोच में डूबे हुए चेहरों और वहां दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं। वहां कोई सपना नहीं है, न भेड़िए का डर। बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गईं। खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है। वहां सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। हाय, इसके बाद करम जले भाइयों के जीने का कौन सा उपाय शेष रह जाता है? यदि भूख पहले प्रदर्शन हो और बाद में दर्शन बन जाए। और अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि सच को भी सबूत के बिना बचा पाना मुश्किल है। शुक्रिया।